तो आइए लेक्चर वन शुरू करते हैं। लेक्चर वन में मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच आर लिखते हैं, इट्स कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? बहुत सिंपल, कोई कंडीशन नहीं होती है हीट ऑफ रिएक्शन में, कोई कंडीशन नहीं होती। एक रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी चेंजेस इंटू सी सी प्लस डी डी। ठीक है, अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन में निकलने वाला या एब्जॉर्ब होने वाला हीट हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो, सबको हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन इज अमाउंट ऑफ हीट released or absorbed in a reaction, ठीक है, absorbed in a reaction, किसी भी reaction में amount of heat released or absorbed को आप heat of reaction कहते हैं। ठीक है, heat of reaction कहा जाता है। दूसरी चीज क्या, heat of reaction खुद दो तरह का हो सकता है। ठीक है, तो अब बारी बारी से पढ़ते हैं। एक exothermic reaction का heat of reaction अलग होगा, exothermic reaction, और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। तो आइए, है ना, इन दोनों को भी स्टडी करते हैं। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन उठा लें, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मान लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन यही है, ए ए प्लस बी बी चेंजेस इंटू सी सी प्लस डी डी। अब आप कह सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं यहां पर, ये एनर्जी है और ये टाइम भी कह सकते हैं आप इसको, और लोग अक्सर इसको, है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि इधर से इधर जाते वक्त रिएक्शन बढ़ रहा होता है, मतलब दिस इज स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन एंड एट अ वेरी लार्ज टाइम, बहुत समय बाद जो है इट इज एंड ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, या इसको टाइम भी कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब पहले जितना हीट था बाद में उससे हीट कम हो गया है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है। जैसे आपके जेब में 100 रुपए हैं, आप कब पैसे रिलीज करते हैं? जब फाइनली घर जाने पर आपके जेब में पहले से कम पैसे हो। ठीक है, तो आपने पैसे खर्च किए हैं। आपके जेब में सुबह 100 रुपए थे, आपने घर जाने पर आपके वापस लौटने पर पूरे दिन के बाद 200 रुपए हैं, तो आपने पैसे कमाए हैं। ऐसे यहां पर है ना, अगर अगर शुरुआत में हीट ज्यादा होगा, ए ए प्लस बी बी, बी बी शुरुआत में एंथैल्पी ज्यादा होगी, बाद में एंथैल्पी कम हो जाएगी, बाद में एंथैल्पी कम हो जाएगी, सी सी प्लस डी डी। ठीक है, ये ऊपर से इसलिए जाता है, मैं केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ाऊंगा, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो हीट निकल रहा है वो यही तो है डिफरेंस, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। ठीक है, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, आपने पैसे खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, ये सुबह का पैसा और शाम के पैसे का डिफरेंस से पता चल जाएगा। अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है, मतलब आपने सुबह ज्यादा पैसे थे शाम को कम पैसे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर अगर नेगेटिव आता है, पैसे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, यहां पर भी ऐसा है, इस डिफरेंस को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इस डिफरेंस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। आप देख सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और अगर आप इसे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्योंकि फाइनली हीट कम है पर शुरू में ज्यादा था, तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, यानी ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो याद रखिए, आज के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। पूरी केमिस्ट्री में जब जब एनर्जी रिलीज होती है हम उसको अक्सर नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडो एंडोथर्मिक है, तो क्या होगा, सेम रिएक्शन। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक, ए ए प्लस बी बी चेंजेस इंटू सी सी प्लस डी डी है, और ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, कि पहले एनर्जी कम थी, आपने कुछ एब्जॉर्ब की है। ठीक है, आपने कुछ एब्जॉर्ब की है एनर्जी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी शुरू में जितनी भी थी, इसको एच इनिशियल कह सकते हैं, लेकिन बाद में, है ना, रिएक्शन की एनर्जी जो है, ना, वो बढ़ गई है, इट्स कॉल्ड हीट फाइनल, फाइनल कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हीट ऑफ
रिएक्शन कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ठीक है, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट होगा, है ना। अब अगर आप फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो फाइनल की वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल की वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू खुद ब खुद क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आज के बाद मैंने सीखा कि हीट ऑफ रिएक्शन फॉर अ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हमारा अगला कंसर्न है कि ये हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किन किन चीजों पर करता है, उसका हम लोग पता लगाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, है ना, हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मान लो पहला फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हो जाएगा, है ना, एलोट्रॉपिक फॉर्म। तीसरा फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर होगा रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है, रिएक्शन कंडीशंस। तो आइए इन इनको एक एक करके देखते हैं। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी तक यही बताया कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो किसी भी रिएक्शन में निकलने या एब्जॉर्ब होने वाले हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हम ये पढ़ते जा रहे हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किन किन चीजों पर करता है। आइए फर्स्ट चीज उठाते हैं, फर्स्ट कंडीशन, फिजिकल स्टेट, यहीं से उठाते हैं फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट पर, फिजिकल स्टेट पर ये हीट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है सीखते हैं। मान लीजिए आप एक रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन गैशियस प्लस ऑक्सीजन गैशियस चेंजेस इनटू H2O गैशियस, ये हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR1 है, ठीक है। कोई लिखता है ट्वाइस H2 गैशियस प्लस O2 गैशियस चेंजेस इनटू ट्वाइस H2O लिक्विड, रिएक्शन दोनों एक ही है, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बट फिजिकल स्टेट में अंतर है, हीट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे बदलेगा, ठीक है। ऐसे ही ट्वाइस हाइड्रोजन गैशियस प्लस O2 गैशियस चेंजेस इनटू ट्वाइस H2O लिक्विड, सॉरी सॉलिड, इसका हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हुआ। तो क्यों अलग है ये मैं तो अभी प्रूव करूंगा ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे हीट ऑफ रिएक्शन पर रिएक्शन सेम होने के बावजूद, है ना, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज अलग अलग आई हैं, ठीक है। आइए इनको प्लॉट करके देखते हैं, इन ग्राफ को अगर हम इनको प्लॉट करें तो ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। ये कंबशन रिएक्शन, अक्सर कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो शुरुआत में तीनों रिएक्शन की कंडीशन एक जैसी है, तीनों में चीजें गैशियस हैं, है ना, रिएक्टेंट आर इन गैशियस फेज। तो तीनों रिएक्शंस का इनिशियल फेज, यानी ट्वाइस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैशियस चेंजेस इनटू, है ना, वाटर गैशियस, ये सेम रहेगा, ये पहला रिएक्शन हो गया, ठीक है, वाटर गैशियस। लेकिन अगर आप वाटर गैशियस जो है फेज में, उसको उसमें से थोड़ी सी एनर्जी निकाल दीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी, है ना, वाटर गैशियस से कम एनर्जी होती है वाटर लिक्विड की, और वाटर लिक्विड में से एनर्जी निकाल दीजिए तो वो वाटर सॉलिड हो जाएगा, H2O सॉलिड हो जाएगा। अब अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन करिए तो इनके बीच का डिफरेंस, गैशियस और, है ना, इन रिएक्टेंट के बीच का डिफरेंस जो है, ये डेल्टा HR1 कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही इनके और इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये डेल्टा HR2 कहलाएगा, और फिर ये इनके बीच का डिफरेंस जो है, है ना, लास्टली ये डेल्टा HR3 कहलाएगा, ठीक है, डेल्टा HR3 कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि हीट ऑफ रिएक्शन इन थर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेकेंड रिएक्शन इज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। तो एक चीज मैंने दिमाग में मेरे बैठ गई, क्या, कि हां, फिजिकल स्टेट बदलने से रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ता है, ठीक है, एक बात मैंने सीख ली। दूसरी चीज, व्हाट इफेक्ट डज एलोट्रॉपिक फॉर्म हैव ऑन हीट ऑफ रिएक्शन, इसको पढ़ते हैं। सेकेंड फैक्टर है एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म, इसको भी सीखते हैं। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, सी ग्रेफाइट सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR1, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं सी डायमंड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2,
है ना, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर टू। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक है, ठीक है। दोनों रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बस फर्क इस बात का है कि कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स अलग अलग है। यहां ग्रेफाइट है और यहां पे क्या है, डायमंड है। क्या फर्क पड़ेगा, आइए चेक करते हैं। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे, तो हम देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट सेम है, इनिशियल रिएक्टेंट्स अलग अलग है, ठीक है। इनिशियल रिएक्टेंट्स अलग अलग है, फाइनल प्रोडक्ट CO2 सेम है, और इन दोनों CO2 में कोई भी देखकर फर्क नहीं बता सकता कि ये कार्बन, ये डायमंड से बने हैं या ग्रेफाइट से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हूबहू सेम होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ये CO2 फाइनल हो गया। हाँ, इतना लोग कहते हैं कि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है। जो चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, यानी ग्रेफाइट। अभी मैं आगे एलोट्रॉपिक फॉर्म की स्टेबिलिटी के बारे में काफी बातचीत करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप मेरी बात मान लीजिए कि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड से, ठीक है, डायमंड से। तो अगर सी ग्रेफाइट प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू, ये एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन सी डायमंड प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू, ये दूसरा रिएक्शन हो रहा है। आप बड़े आराम से इनका हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच आर वन कहेंगे, और इस हीट ऑफ रिएक्शन को जो डायमंड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का है, इसको डेल्टा एच आर टू कहेंगे। तो आप साफ देख सकते हैं कि दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों में कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, पर इसके बावजूद इनके हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग है। डायमंड को जलाने पर ज्यादा हीट निकलेगा ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके एलोट्रॉपिक फॉर्म में डिफरेंस है। तो मैंने एक चीज और सीखी क्या, कि एलोट्रॉपिक फॉर्म में अगर डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन पे जरूर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़ ली एलोट्रॉपिक फॉर्म वाली, कि एलोट्रॉपिक फॉर्म का डिफरेंट होने पर, एलोट्रॉपिक फॉर्म डिफरेंट होने पर रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। आइए तीसरी चीज इसे देखते हैं, रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है। रिएक्शन कंडीशंस देखते हैं हम लोग, कि रिएक्शन कंडीशंस का क्या फर्क पड़ता है हीट ऑफ रिएक्शन पे। आइए देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन का क्या, हीट रिएक्शन कंडीशंस का हीट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। रिएक्शन कंडीशंस, क्या फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया। ये एक खुले बर्तन में हो रहा है जिसपे प्रेशर कांस्टेंट है, यहां हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर ही लग रहा है सिर्फ, तो ये कैसा प्रोसेस होगा, ये ऐसा प्रोसेस होगा जहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मैं थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाऊंगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट निकलता है, ठीक है, जो भी हीट निकलता है, जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होता है, उसको एंथैल्पी चेंज कहा जाता है, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच कहा जाता है। ऐसे ही इसी रिएक्शन को अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर करिए, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे, यानी इस कॉर्क को बंद कर दीजिए, इसको कॉर्क से बंद कर दीजिए, और इसके अंदर सेम रिएक्शन हो रही है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाला रिएक्शन है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाले रिएक्शंस को हम लोग एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज कहा जाता है। अब ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों में रिएक्टेंट का फेज सेम है, दोनों में एलोट्रॉपिक फॉर्म भी सेम है, इसके बावजूद इनके रिएक्शंस में फर्क आएगा। ये डेल्टा एच आर वन कहिए, डेल्टा एच आर टू कहिए, दोनों में फर्क है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे निकलने वाले हीट को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलने वाले हीट को हम इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। इनके बीच में आप अगर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा भी पढ़े हैं, तो इनके बीच का आप रिलेशनशिप जानते होंगे कि एंथैल्पी चेंज
एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू ई प्लस एनआरटी लिख सकते हैं, पीवी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एनआरटी लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन एनआरटी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी का, नहीं, एंथैल्पी का चेंज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस, देखिए आर और टी दोनों जगह मैंने टेम्परेचर नहीं बदला, टेम्परेचर के बदलने पर क्या होता है, ये मेरा फोर्थ टॉपिक है या थर्ड चल रहा है। एक टॉपिक मैंने बताया कि हीट ऑफ रिएक्शन एलोट्रॉपिक फॉर्म से चेंज होता है, दूसरा बताया रिएक्शन, दूसरा बताया फिजिकल स्टेट से चेंज हो जाता है, तीसरा बता रहा हूं रिएक्शन की कंडीशन से भी बदल जाता है, और चौथा मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर से। तो अभी यहां पर फिलहाल टेम्परेचर नहीं बदल रहा, यानी आप आर और टी को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, आर टी इंटू इसको डेल्टा एन कह सकते हैं, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तो इन दोनों हीट्स के बीच में रिलेशनशिप निकल गया, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम के हीट ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा एन आर टी के बराबर होगा। आप पूछ सकते हैं सर डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन चेंज इन मोल ड्यूरिंग द रिएक्शन है, ठीक है, यानी यहां पर डेल्टा एन का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं डेल्टा एन को, हाँ गैशियस ही लेना है, सबसे बड़ी बात यह है कि गैशियस ही चीजें लेनी है, गैशियस मोल्स, क्योंकि आप ये जो डेल्टा एन है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर डेल्टा एन निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो है वो गैस के लिए ही वैलिड है, इसलिए इस चीज को आप गैसेस के लिए, गैशियस है ना चीजों के लिए ही लगा सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, डेल्टा एन तीन तरह के हो सकते हैं, पहला डेल्टा एन पॉजिटिव हो सकता है, या डेल्टा एन जीरो हो सकता है, डेल्टा एन पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, डेल्टा एन नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा एन जीरो का मतलब ऐसा रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन गैशियस प्लस क्लोरीन गैशियस चेंजेस इनटू ट्वाइस एचसीएल गैशियस, यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट टू हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट कितना हो जाएगा वन, और वन वन प्लस वन टू हो जाएगा, यानी डेल्टा एन इज इक्वल टू टू माइनस टू, यानी डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा एन जीरो आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी डेल्टा एन जीरो, तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके लिए डेल्टा एन जीरो अगर हो गया तो आप यहां से देख सकते हैं क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी लिखा, डेल्टा एन जीरो हो गया, यानी ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू बराबर आती है, यानी ऐसे रिएक्शन, इस रिएक्शन को चाहे आप खुले बर्तन में करिए चाहे बंद बर्तन में करिए, दोनों कंडीशंस में हीट ऑफ रिएक्शन बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहां डेल्टा एन पॉजिटिव होता है, जैसे पीसीएल फाइव गैशियस चेंजेस इंटू पीसीएल थ्री गैशियस प्लस क्लोरीन गैशियस, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर आप डेल्टा एन कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, वन प्लस वन टू माइनस इसका वन, वन ये कट के आ जाएगा वन, यानी डेल्टा एन वन आ रहा है, यानी डेल्टा एन पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा एन पॉजिटिव है। अगर आप लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, और अगर ये चीज पॉजिटिव है, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, टी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर में इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस समथिंग, इसको जोड़कर ये इसमें ये बराबर है, यानी मैं कह सकता हूं कि डेल्टा, इसको हटा दूं मैं तो कह सकता हूं कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ए, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन पॉजिटिव होता है, ऐसे रिएक्शंस में कांस्टेंट प्रेशर पे निकलने वाला हीट या एब्जॉर्ब होने वाला हीट ज्यादा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां, जैसे ये रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इंटू ट्वाइस अमोनिया, ऑल ऑफ देम गैशियस,
ये सभी गैशियस हैं, ठीक है। अब आप इसका अगर डेल्टा एन कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट इज 1N3, 1N3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, ठीक है। तो आप यहां पर डेल्टा एन नेगेटिव है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। अगर ये चीज नेगेटिव हो जाएगी तो इसका मतलब ये पूरी चीज ही नेगेटिव है, और अगर ये पूरी चीज नेगेटिव होगी तो यानी कि इसमें से कुछ घटाने पर इसके बराबर आ रहा है, अगर इसको मैं हटा दूं तो ये चीज बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन जहां डेल्टा एन नेगेटिव होता हो, ऐसे रिएक्शन जहां डेल्टा एन नेगेटिव होता है वहां पर, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जहां डेल्टा एन नेगेटिव होता है वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर के हीट ऑफ रिएक्शन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैंने यहां पर बहुत ही साफ साफ बातचीत की कि रिएक्शन कंडीशंस का, है ना, हीट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। हल्का सा समराइज कर दूं, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकलता है एंथैल्पी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलता है इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। अगर कोई रिएक्शन का डेल्टा एन जीरो होगा तो ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के हीट बराबर होंगे, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होगा कांस्टेंट प्रेशर का हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो कांस्टेंट प्रेशर का हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के हीट ऑफ रिएक्शन से कम होगा, ठीक है। आइए लास्ट कंडीशन पे बात करते हैं, या एक काम करते हैं इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर of the following reaction is 20 kilojoule at 27 degree celsius, ठीक है, 20 kilojoule at 27 degree celsius। रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन प्लस ट्वाइस ओ टू गैशियस चेंजेस इंटू ट्वाइस एनओ टू गैशियस, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ये डेल्टा ई दिया हुआ है, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, प्लस 20 किलो जूल, ठीक है। अच्छा, ये कांस्टेंट प्रेशर पर चाहते हैं, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, अभी अभी मैंने सिखाया आपको, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई कितना है, प्लस 20 किलो जूल, ठीक है। तो प्लस 20 किलो जूल को जूल में बदल दीजिए, प्लस डेल्टा एन निकालना है, आइए इसका डेल्टा एन निकालते हैं। डेल्टा एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, वन और टू, ठीक है ना, वन और टू जोड़ दीजिए, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, ठीक है, माइनस वन निकल आ जाएगा, यानी डेल्टा एन कितना आ जाएगा, माइनस वन इंटू आर 3.31 इंटू टी, टेम्परेचर केल्विन में रखना होगा, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री प्लस 273 यानी 300 केल्विन आ जाएगा, है ना, इंटू 300 कर लीजिए, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, है ना, 20000 माइनस 831 इंटू थ्री, 831 इंटू थ्री यानी 20000 माइनस 3 1 3, 3 3 9, 8 3 24, 2493, है ना, घटा दीजिए 20000 एंड 2493 कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 5 एंड 9 माइनस 2 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 17507 जूल, यानी 17.5 किलो जूल, ठीक है, 17.5 किलो जूल आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो इस फंडे पे बेस्ड है, दिखाता है कि कैसे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और कैसे आपको इनमें से कोई एक पता है तो दूसरा आप निकाल सकते। तो अब तक हम लोगों ने तीन फैक्टर्स देख लिए इस एग्जाम्पल के साथ, है ना, हम लोगों ने देखा कि एंथैल्पी चेंज की
एलोट्रॉपिक फॉर्म के चेंज होने पे हीट ऑफ रिएक्शन में क्या बदलाव आता है, रिएक्शन की कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज होने पे क्या चेंज आता है, और फिजिकल स्टेट चेंज होने पे क्या चेंज आता है। आइए चौथा जो कंडीशन है वो देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने पर क्या चेंजेस आते हैं हीट ऑफ रिएक्शन में। तो चौथा कंडीशन हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर या चौथा फैक्टर टेम्परेचर। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, नाइट्रोजन गैशियस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैशियस चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया गैशियस। इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर वन है, टेम्परेचर टी वन है। ठीक है, टेम्परेचर टी वन है। अगर मैं सेम रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं किसी और टेम्परेचर पे, डेल्टा एच आर टू पे है जब टेम्परेचर टी टू है, क्या रिलेशनशिप हो सकता है इनके बीच में। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां से यहां चेंज होने में हीट लगा डेल्टा एच आर वन, यहां से यहां इसको हीट करने में कितनी एनर्जी लगेगी आप जानते हैं। हीट जो अगर मैं इसको गर्म करता हूं अमोनिया को टी वन टेम्परेचर से टी टू टेम्परेचर में, तो जो हीट लगेगा क्यू वन वो होगा एन मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, इतना हीट लगेगा। अच्छा, यहां से इसमें चेंज करने में कितना हीट लगा, डेल्टा एच आर टू। ठीक है, नाइट्रोजन को गर्म करने में कितना हीट लगेगा ना एन, इसको क्यू क्यू टू कहिए, एन मोलर हीट कैपेसिटी, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं इधर क्यू टू, क्यू टू कितना लगेगा एन इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन। और इसको गर्म, हाइड्रोजन को गर्म करने में कितनी हीट लगेगी, मान लीजिए क्यू थ्री लग रहा है, क्यू थ्री इज एन, एन नंबर ऑफ मोल्स, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ये नाइट्रोजन था। ठीक है, ये मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन लगा। ठीक है, यहां मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अमोनिया लिख सकते हैं। अब मैं कह सकता हूं यहां से यहां जाकर यहां आने में जो हीट लगा वही यहां से यहां आकर इसमें चेंज होने में लगेगा। देखिए क्या रिलेशनशिप हो सकता है, आप यहां पहुंचने के क्या तरीके हैं, या तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अमोनिया में चेंज कर दीजिए टी वन टेम्परेचर पे और फिर अमोनिया को गर्म कर दीजिए, या आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट मत करने दीजिए, पहले गर्म कर दीजिए टी टू टेम्परेचर पे और फिर उनको रिएक्ट करके यहां ले आइए। अब दोनों कंडीशन एक जैसी हैं, यानी दोनों में अमाउंट ऑफ हीट सेम लगेगा क्योंकि आप सेम स्टेट से चले थे और दो अलग अलग रास्ते से उसी स्टेट पे पहुंचे। इसको हेस लॉ कहते हैं, मैं अभी आगे आपको हेस लॉ बताऊंगा कि अगर आप कोई रिएक्शन किसी भी तरीके से कैरी आउट हो है ना, उसमें लगने वाला हीट जो है सेम होगा। तो आप कह सकते हैं कि इधर से इधर आने में जो हीट लगा ये प्लस ये सेम होगा, इन दोनों हीट जो गर्म करने में लगा और फिर रिएक्ट करने में लगा। देयरफॉर आई कैन से बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेल्टा एच आर टू प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इज इक्वल टू डेल्टा एच आर वन प्लस क्यू वन। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, डेल्टा एच आर टू जो लगा प्लस ये और ये जोड़कर उतना ही आएगा जितना ये और ये जोड़कर आएगा। ठीक है, इसको इधर ले आइए, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन इज इक्वल्स टू क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन इज इक्वल टू क्यू वन कितना है एन, एन कितना है टू इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अमोनिया इंटू डेल्टा टी, मैं टी टू माइनस टी वन को डेल्टा टी कह रहा हूं, माइनस क्यू वन, क्यू वन को क्या लिख सकते हैं, क्यू टू को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वन इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इंटू डेल्टा टी,
प्लस 3 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और आइए इसको और साफ साफ लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर, डेल्टा टी आप कॉमन ले लीजिए, यानी डेल्टा एच आर टू, एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन बाय टी टू माइनस टी वन, या डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन इज इक्वल्स टू, डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं, टू इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अमोनिया माइनस 1 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू डेल्टा टी, है ना, इस पूरी चीज को फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने के बाद, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप इधर अगर ले आते हैं तो क्या ले सकते हैं, डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, है ना, लिख सकते हैं 2 इंटू सी एम ऑफ अमोनिया, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अमोनिया माइनस 1 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन बाय टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स, यानी इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा एच आर टू टू माइनस डेल्टा एच आर वन बाय टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये तो एक चीज लिखी जा सकती है। मैं व्यूवर्स को ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ में आया है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको ये याद रखना चाहिए जिसको हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं, ठीक है, आपको डेरिवेशन समझ में आया, अच्छा, नहीं समझ में, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको लेकिन अब अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं अगर इसको डायरेक्टली आपको बताता तो हो सकता है मन में क्वेश्चन आता कि ये कहां से आया, इसलिए मैंने इसको डिराइव करने का जोखिम उठाया है, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब इसके डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कई बार इस लॉ को, इसको डेल्टा सीएम लिख देते हैं, डेल्टा सीएम, तो कभी कभी, और इसको डीटी लिख देते हैं, तो कई बार ये इक्वेशन ऐसा भी आ जाता है, डेल्टा एच आर टू इज इक्वल्स टू ये डेल्टा सीएम इंटू डीटी, इंटीग्रेशन डेल्टा सीएम इंटू डीटी, और ये चीज उधर चली जाएगी, है ना, डेल्टा एच आर वन प्लस, तो कई बार ना किरचॉफ्स इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं लोग, ठीक है, क्या कि डेल्टा एच आर टू इज इक्वल टू डेल्टा एच आर वन प्लस इंटीग्रेशन डेल्टा सी एम, डेल्टा सी एम यही है, मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ लोग को हो सकता है अभी मोलर हीट कैपेसिटी ना पता हो, तो मैं अभी इसके डिटेल में आने वाला हूं कि ये मोलर हीट कैपेसिटीज वगैरह आखिर होती क्या है, ठीक है, उस पर बातचीत करेंगे। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एच आर टू माइनस इज इक्वल टू डेल्टा एच आर वन प्लस इंटीग्रेशन डेल्टा सी एम, ये लिखा जा सकता है फ्रॉम टी वन से टी टू, जिस टेम्परेचर से आप जिस टेम्परेचर तक जा रहे हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी किरचॉफ्स इक्वेशन कहेंगे। तो आइए किरचॉफ्स इक्वेशन के डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में जाने से पहले हमें मोलर हीट कैपेसिटी को समझना होगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी समझिए, है ना बच्चों, हीट कैपेसिटी कई तरह की होती है, ठीक है, हीट कैपेसिटी कई तरह की होती है। पहला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मैं समझाता हूं, आपने छोटी क्लासेस पढ़ा होगा Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है, तो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब होता है एक यूनिट मास में भी 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में जितना हीट लगे उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट हो जाती है जूल पर केजी पर मोल।
पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो जाता है। ये हम अक्सर सॉलिड और लिक्विड के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड्स और है ना लिक्विड्स के लिए बहुत ज्यादा ये चीज इस्तेमाल की जाती है कि है ना सॉलिड कितने मास का है, यहां रख दीजिए। जैसे वाटर, आप 10 केजी वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं तो एम की वैल्यू 10 हो जाएगी, डेल्टा टी 10 हो जाएगा, और एस की वैल्यू 1 जूल पर डिग्री पर 1 जूल आता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, हम सब जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हम यहां इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी में इंटरेस्टेड है। अक्सर मोलर हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, गैसेस के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, दो तरह का हो जाए, ठीक है। वैसे मोलर हीट कैपेसिटी लिखा ऐसे जाता है, क्यू इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास होता है, मोलर हीट कैपेसिटी में मोल हो जाता है, एन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस लिखते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी को सी एम लिखते हैं, बाकी डेल्टा टी वहां भी है यहां भी है, ठीक है, डेल्टा टी हो जाए, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फर्क हुआ, एक यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में जितना हीट लगे उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, एक यूनिट मोल को, एक मोल को एक डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में जितना हीट लगे उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह का होता है, ठीक है ना, मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह का होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट एंड व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम इसको क्यूपी कहते हैं, क्यूपी को ही अभी मैंने बताया था, कांस्टेंट प्रेशर पे निकलने वाले हीट को हम एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं एन सीपी डेल्टा डी, ठीक है, जहां सीपी क्या है, सीपी को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसे क्यूवी कहेंगे, इसको डेल्टा ई भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू एन सीवी डेल्टा टी आती है, जहां आप सीवी को कह सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब इन दोनों दोनों की वैल्यूज कितनी आती हैं इसको भी समझा जाए, ठीक है, इनकी वैल्यूज कितनी निकल के आएंगी सीपी और सीवी की। आप लोग अगर 12th 11th क्लास में ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो सीपी और सीवी की वैल्यू बड़े ही जग जाहिर है, ठीक है। कैसे, सीपी और सीवी की वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, इसका डेरिवेशन मैं थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा कि ये सीपी और सीवी कहां से आता है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आप इतना जान सकते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीवी, सीपी और गामा, इतनी चीजें मैं आपको निकाल देता हूं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे निकलता है, इसके लिए ये सही फोरम नहीं है बातचीत करने का, उसके लिए आप मेरे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स देखिए, उसमें मैं आपको है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सिखाऊंगा। इतना जानिए, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस जो होती है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। सीवी की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ बाई 2R होती है, ठीक है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतना सीवी होता है। सीपी की जहां तक बात है, आपको मालूम होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है वो R होता है, सीपी और सीवी का डिफरेंस, यानी आप कह सकते हैं सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस R, ठीक है, सीवी प्लस R। तो अगर यहां पर सीवी एफ बाई 2R है तो सीपी कितना हो जाएगा, है ना, सीपी हो जाएगा एफ बाई 2R प्लस R, यानी F by 2 प्लस 1R, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा है ना कि CP और CV के है ना रेशियो को हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, गामा, गामा इज कॉल्ड CP by CV। खैर इसकी यहां पे जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, यह हो जाएगा F by 2 प्लस 1R by F by 2R, RR gets cancelled out, this turns out to be 1 plus 2 by F, ठीक है, 1 प्लस 2 by F CV की
सॉरी गामा की वैल्यू हो जाती है। इसकी यहां जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेंगे, कभी भविष्य में काम आएगा। तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक गैस या लीनियर गैस, लीनियर मॉलिक्यूल्स। लीनियर का मतलब जैसे जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पॉलीएटॉमिक है, वो दोस्त डायएटॉमिक नहीं है, है ना, पर लीनियर है ना। अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो भी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होगा, ठीक है। या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा जैसे ऑक्सीजन O2 OO ऑक्सीजन, अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडरेट टेम्परेचर पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर पॉली एटॉमिक गैस होगी, अगर पॉली एटॉमिक गैस होगी तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा, ठीक है। तो आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, तो CV कितना हो जाएगा 3/2R, ये हो जाएगा 5/2R और ये हो जाएगा कितना 3R, ठीक है। CP कितना हो, इसमें R जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5/2R, 7/2R और क्या 4R। और CP/CV यानी गामा कितना हो जाएगा, यहां पे गामा हो जाएगा 5/3, दैट इज 1.67, मोनोएटॉमिक का गामा 1.67 होता है, है ना। ये हो जाएगा 7/2R/5/2R यानी 7/5 यानी 1.4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 4/3 यानी 1.33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये CP/CV के बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया। आप भूल गए होंगे कि हम लोग कहां हैं, हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन डील कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बात तह तक जानी चाहिए, जो जो चीजें उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है सबके डिटेल में हम लोगों को जाना चाहिए। तो मैंने अभी किरचॉफ्स इक्वेशन लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि डेल्टा HR2 माइनस डेल्टा HR1/T2 - T1 इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट लिखा था। अब मोलर हीट कैपेसिटी के हम डिटेल में चले गए। मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह का होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे उसको CP कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको CV कहते हैं। CP और CV इस तरह से निकाले जाते हैं। यहां पे मैंने एक बात बस नहीं बताई है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे बातचीत करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हम मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में मैक्सिमम चीजें जान चुके हैं, तो अब हम किरचॉफ्स इक्वेशन को और डिटेल में यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसको और डाइसेक्शन कर सकते हैं और उसके तह में जा सकते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन के। और जितनी अच्छी से आप चीजें को समझे होंगे उतना आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। आइए मैं किरचॉफ्स इक्वेशन एक सिंपल रिएक्शन पर लगाना सिखाता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इंटू ट्वाइस अमोनिया। इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR2 है, HR1 है T1 टेम्परेचर पे और डेल्टा HR2 है T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हम किरचॉफ्स इक्वेशन आमतौर पे लिखते कैसे हैं, डेल्टा HR2 माइनस डेल्टा HR1 बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब यहां पे दो बातें हो सकती है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट, मान लीजिए चलिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अब आप किरचॉफ्स लॉ को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब आप किरचॉफ्स लॉ को लिखेंगे, अब हीट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पर क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज कहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू सम ऑफ, अब मोलर चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हो गया CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ CP ऑफ क्या रिएक्टेंट, ठीक है, CP ऑफ रिएक्टेंट। CP और CV कैसे निकालना है ये मैंने अभी इसी टेबल के मार्फत बताया है कि आप CP और CV कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप CP का सम ऑफ CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ CP ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। आइए मैं नाइट्रोजन इस रिएक्शन के लिए लिखना सिखाऊं आपको। आप क्या लिखेंगे, यहां पर CP ऑफ प्रोडक्ट को लिखेंगे, आप यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू CP ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, 2 इंटू CP ऑफ अमोनिया, ठीक है, 2 इंटू CP ऑफ अमोनिया
माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे, सीपी ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे 1 इंटू सीपी ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 इंटू सीपी ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू सीपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू सीपी ऑफ क्या हाइड्रोजन लिखा जाएगा, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। तो सम ऑफ सीपी ऑफ प्रोडक्ट का यही मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका सीपी लिख के उसके जितने मोल्स रिएक्टेंट में प्रोडक्ट साइड मौजूद है वो लिख लेंगे। इस तरह से आप इस किरचॉफ लॉ का इक्वेशन लिखते हैं। अगर यही बात कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए तो क्या कह सकते हैं, अगर यही बात कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो आप लिखेंगे डेल्टा ई टू, ठीक है ये बिल्कुल अलग है इससे, डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई वन बाय टी टू माइनस टी इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सम सीवी ऑफ प्रोडक्ट। क्यों सीवी, सीवी इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सम ऑफ सीवी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ सीवी ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई वन बाय टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू है ना 2 इंटू सीवी ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 2 इंटू सीपी नहीं सीवी ऑफ अमोनिया लिखा जाएगा है ना, माइनस 1 इंटू सीपी की जगह क्या हो जाएगा सीवी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू सीवी ऑफ क्या हाइड्रोजन लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका किरचॉफ्स इक्वेशन लिखने का तरीका आ गया, ठीक है। तो आशा है कि आपको किरचॉफ्स इक्वेशन लिखना आ गया होगा। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट 400 केल्विन फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया ऑल ऑफ देम गैशियस, ठीक है गैशियस। गिवन हीट ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन इज -35 किलो जूल पर मोल, यहां और चीज लिख दें, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट 400 केल्विन फॉर द रिएक्शन दिस गिवन दिस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अगर ना आए तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। अब यहां ये क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मैं फिर से लिख रहा हूं नाइट्रोजन गैशियस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैशियस चेंजेस इंटू ट्वाइस अमोनिया गैशियस, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा जब टेम्परेचर 400 केल्विन होगा, दिया हुआ है नाइट्रोजन गैशियस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैशियस चेंजेस टू ट्वाइस अमोनिया गैशियस का हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर वन -35 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल है पर मोल नहीं होगा किलो जूल है, जब टेम्परेचर 300 केल्विन है। आइए यहां पर क्या करेंगे, हम किरचॉफ्स इक्वेशन लगाते हैं। किरचॉफ्स इक्वेशन क्या कहता है कि डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन बाय टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ये लिखा जा सकता है। अब हम कर क्या सकते हैं इसमें, आपको पता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसलिए यहां मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीपी से रिप्लेस कर सकते, सीपी से रिप्लेस कर सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉरी यहां मैंने उल्टा लिख दिया प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ क्या रिएक्टेंट, ठीक है ना रिएक्टेंट ऐसे लिखा जा सकता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा एच आर टू की वैल्यू निकालनी है, आ जाएगी डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन की वैल्यू पता है मुझे -35 किलो जूल है, -35 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय
टी टू हो जाएगा 400 केल्विन, टी वन हो जाएगा 300 केल्विन, इज इक्वल टू सम ऑफ सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ सीपी ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता होगा अमोनिया एक पॉली एटॉमिक गैस है, पॉली एटॉमिक गैस का सीपी होता है एफ बाई टू प्लस वन आर, ठीक है, जहां पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सिक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिक्स हो जाता है, तो सिक्स बाई टू यानी कितना हो गया, थ्री प्लस वन फोर आर हो जाएगा। जबकि ये दोनों डाई एटॉमिक गैसेस हैं, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर वही एफ बाई टू प्लस वन आर तो होगा, डाई एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव होता है, तो यहां पे फाइव रख देंगे तो फाइव बाई टू प्लस वन यानी सेवन बाई टू आर हो जाए सीपी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों डाई एटॉमिक गैसेस है, जबकि है ना अमोनिया के लिए सीपी की वैल्यू फोर आर होगी क्योंकि वह पॉली एटॉमिक गैस है। तो मैं लिख सकता हूं टू इंटू सीपी ऑफ अमोनिया, टू इंटू सीपी ऑफ अमोनिया दैट इज फोर आर, ठीक है, माइनस माइनस वन इंटू सीपी ऑफ नाइट्रोजन विच इज सेवन बाई टू आर एंड थ्री इंटू सीपी ऑफ हाइड्रोजन विच इज अगेन सेवन बाई टू आर, ठीक है, आप लिख सकते हैं वन इंटू सीपी ऑफ नाइट्रोजन दैट इज सेवन बाई टू आर प्लस थ्री इंटू सीपी ऑफ हाइड्रोजन विच इज अगेन सेवन बाई टू आर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा डेल्टा एच आर टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहां पे प्लस थ्री फाइव जीरो 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 बाय हंड्रेड इज इक्वल टू एट आर माइनस फोर्टीन आर, फोर्टीन आर, बल्कि आप इसको भी इधर ले जा सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं डेल्टा एच आर टू प्लस थर्टी फाइव जीरो 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 इज इक्वल टू ये आ जाएगा सिक्स आर इंटू हंड्रेड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच आर टू इज इक्वल टू माइनस थ्री फाइव जीरो 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 माइनस सिक्स हंड्रेड आर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर ये जूल में है तो आर की वैल्यू जूल में रखिए 8.31, अगर ये वैल्यू कैलोरीज में होती तो आर की वैल्यू 1.97 या अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल रखते हैं, ये आ जाएगा माइनस 35000 माइनस 600 इंटू 8.31, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं फिर डेल्टा एच आर टू, डेल्टा एच आर टू इज इक्वल टू माइनस 35000 जूल माइनस 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 831 डेल्टा एच आर टू इज इक्वल्स टू माइनस 35000 6 1 जा 6 6 3 जा 18 6 8 जा 48 49, ठीक है ना, तो ऐसे आ जाएगा, अब इसको जोड़ लीजिए आप 6 8 9 9 3 माइनस, है ना, इतना जूल, यानी माइनस, हमेशा कैलकुलेशन करने से बचिए, नहीं मैं सारी कैलकुलेशंस इसलिए करता हूं ताकि एक बच्चे को इस चीज का एनकरेजमेंट मिले कि जो चीजें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है वो भी सारी कैलकुलेशन कर रहा है, तो आपको भी सारी कैलकुलेशन मैन्युअली करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपको फिर दिक्कत ना आए। जूल को किलो जूल में कैसे बदलेंगे, डिवाइड बाई थाउजेंड कर देंगे 39.986 किलो जूल हो जाएगा विच इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 40 किलो जूल, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, हम लगभग एक घंटे के आसपास पढ़ाई की है और क्या क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा कि किसी भी रिएक्शन में निकलने वाले या एब्जॉर्ब होने वाले हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना, हीट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, हीट ऑफ और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। मैंने आपको बताया हीट ऑफ रिएक्शन चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला है ना फिजिकल स्टेट, दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म, तीसरा रिएक्शन कंडीशन, जैसे मैंने कहा था कि कांस्टेंट प्रेशर यानी डेल्टा एच पे जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे निकलने वाला हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलने वाला हीट के बराबर प्लस डेल्टा एन आर टी होता है, और अभी अभी हम लोगों ने किरचॉफ्स इक्वेशन यानी किसी हीट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस पढ़ा, किरचॉफ्स इक्वेशन डिराइव किया, उसको समझा, उसमें मोलर हीट कैपेसिटी को भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा, ठीक है, और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है ये सीखा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन वगैरह, बॉम कैलरी मीटर, हेस लॉ पे बातचीत करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।